ऐसे बारिश दिखी नहीं रहा सच क्यों बोली छोटा छोटा बूंद है इसलिए ना ये क्या बनाए हो आप? घर है। होम है? किसका? आपका है? आप रहोगे इसमें? इसमें रहोगे? नहीं रहोगे? कैसा लग रहा फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। बच्चे ने बनाया है। देखा ही है कि बाहर में बारिश जोरों से हो रही है, तो मैं इसलिए सारे कपड़े जो है ना घर में उठा के ले आई। और ये आलना मेरा बहुत काम देता है, और ये आलना जो है ना मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये सब को मैं कपड़े को यहीं पर सुखा दे रही हूँ, और यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं तो कपड़े भी सूख जाएंगे, और क्योंकि इतनी बारिश में तो धूप आएगा नहीं। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ संगीता, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे और एक नए ब्लॉग वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 2 बजे का टाइम, और अभी से मैं अपना जो है ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत सारा काम था। इतने सारे कपड़े धोए, सारे कपड़े मैंने बाहर में सुखाए थे, लेकिन बारिश होने लगी तो सबको मैंने रात यहाँ पे रखाया है। और ये घर में चारों तरफ देख सकते हो डब्बे वगैरह सब लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा पानी जो है ऊपर से गिर रहा है। और मैंने इस पे ऊपर त्रिपाल दिया था, फिर भी ज्यादा बारिश होने पर लीकेज हो रही है। फ्रेंड्स, तो यहाँ मंदिर कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर, क्योंकि लाइटें लगा दी है ना, तो मंदिर जैसा मंदिर लग रहा है। और अभी लाइट जस्ट थोड़ी देर पहले ही आई है, तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, मैं आपको दिखा। ये देख सकते हो कद्दू है, आप लोग अरबी जानते होंगे ना, अरबी, तो उसी की सब्जी मैंने बनाई है। सारी खाना मैं बना चुकी हूँ, गैस अभी साफ नहीं किया, करूंगी अभी थोड़ी देर पहले ही। मैंने सारे को पता होगा कि नहीं होगा मुझे, ये जो बड़ा लाल थाली लाल साग होता है ना, उसी का डंटी है। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, और अभी इवनिंग के 4:30 बज रहे हैं। तो घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, इस रूम को मैंने धोया, क्योंकि ये रूम ना जो पानी थोड़ा थोड़ा गिरा था ना, चारों तरफ गंदा हो गया था, तो ये रूम को मैंने धोया है। और ये देखिए, मैं वो जो वाइपर रहता ना, उसको मैं टीने के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि बहुत वाइपर को अगर घर में रखती हूँ ना, दोनों छोटे बच्चे हैं तो दोनों इससे खेलने लग जाते हैं, तो बाई चांस अगर कहीं लग जाता या उन्हें ही लग जाता या फिर कोई सामान में लग जाता तो टूट जाएगा। इसी वजह से मैं इसे और टीने के ऊपर चढ़ा देती हूँ, जब यूज़ होता है तो निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी चाय बना रही हूँ मैं, और अभी इवनिंग का 5:30 टाइम हो रहा होगा। दियाबाती मेरी हो चुकी है और हम लोग अभी चाय पियेंगे, तो आप भी आइए चाय पी लीजिएगा फ्रेंड्स। का जो रेसिपी आप लोग से शेयर करूंगी, और यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही, तो मैं आप लोग से यहीं पर बात करने की सोच रही थी। और साउंड आप लोग को आता है कि नहीं अच्छा से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि मैं बिना माइक से ही बोलती हूँ, और हेडफोन भी नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं, तो सीधा मोबाइल में ही बोलती हूँ। तो आप लोग को अगर साउंड नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए, छोटा बेबी यहाँ पर मोबाइल देख रहा है, और अभी थोड़ी देर में ही कुकिंग स्टार्ट करूंगी ना, तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी आज मैं क्या बना रही हूँ। मतलब मशरूम तो बनाने वाली हूँ ही, लेकिन उसके साथ भी मैं कोई पत्ता की एक जो रेसिपी आप लोग से शेयर करने वाली, तो उसको स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पंखा लगा के बैठे हुए, हवा भी लग रहा है, और इधर जो कपड़े मैंने सुखाए थे ना दोपहर में, वो भी सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी शाम के 7 बज रहे होंगे, और कुकिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो है ना चावल ऑलरेडी मैंने चढ़ा दिया है, तो चावल उधर बन रहा है। और आप सभी को पता ही है, जो जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं ना, हम लोग उड़िया हैं तो हम लोग चावल ही खाते हैं। तो ये देखिए, अरवा चावल को भिगो के रखा था मैं, जो पोई पत्ते का जो फ्राई बनाऊँगी ना उसी के लिए, तो दोपहर में ही हम लोगों ने भिगो के रखा था चावल को।
उससे मैं दो तीन बार अच्छे पानी से धो दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी टाइल्स निकल गई है, मतलब यहाँ पे जो टाइल्स लगा हुआ था ना वो उखड़ गया, अच्छे से नहीं लगाए थे उन लोगों ने। तो अभी उनसे मैंने कहा है तो उन्होंने बोला कि लगाऊंगी, मतलब लगा देंगे, तो अब देखती हूँ कब तक लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, चावल को मैंने दो तीन पानी से धो लिया है और इसे मैं मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी। तो ज़्यादा चावल था तो इसलिए मैं, मम्मी ने एक कप पूरा भर के भिगो दिया था तो वो दो कप हो चुका है, मतलब चावल भिगोने के बाद तो डबल हो जाता है ना, तो इसी वजह से मैं एक कप ले रही हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। तो आप अपना जो पोहे का पत्ता रहेगा उसी के हिसाब से लीजिएगा। और इसको आप, इस बैटर का एक फ़ायदा है कि आप अगर ज़्यादा बना लेते हैं ना तो उसे भी आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा मैंने लिया है, और थोड़ा सा अदरक, एक थोड़ा सा बहुत, एक इंच से भी कम अदरक लीजिएगा। तो बस इसको जो है ना पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट का एक फ़ायदा होता है कि इसे हम फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन करेगा हम लोग इसमें आलू, बैंगन, उसके बाद जो भी आपको फ्राई वाला सामान सब्जी पसंद है इसमें डुबो के आप फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हो ये मेरा हो चुका है पेस्ट, पूरा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा पेस्ट बनाना है, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा दरदरा रहेगा तो थोड़ा कुरकुरा टाइप का लगता है फ्राई होने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने पोई पत्ते को अच्छे से धो के उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और पोई का जो सारा पेस्ट था उसे मैं हल्दी के साथ और नमक के साथ उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सारे जो पोई के पत्ते हैं इसमें आप पालक का पत्ता, पोई का पत्ता, या फिर जो कुमड़ा होता है यानी डिंगला, क्या बोलते हैं आप लोग, पम्पकिन, पम्पकिन का पत्ता को भी, अगर नरम नरम पत्ता हो, लौकी का नरम नरम पत्ता, आपको जो पत्ते साग पसंद है इसमें आप छोटे छोटे आकार में काट के फ्राई बना सकते हो, मतलब इसको इस तरह से मिक्स करके, और इसमें थोड़ा सा अरारूट या फिर बेसन आपके पास जो अवेलेबल है थोड़ा डाल दीजिएगा, और फिर उसे मिक्स करके हम लोग फ्राई करेंगे। तो देखिए तवा को मैंने पहले ऑलरेडी गर्म कर लिया था, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, मैंने थोड़ा सा ही डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, ये भी हेल्दी है क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं हो रहा, और राइस है इसमें तो राइस का पेस्ट है तो बहुत हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरह से छोटे छोटे बोरा आकार के, हम लोग बोरा बोलते हैं, बोरा के आकार में इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो एक ही बार में हो जाएगा, मेरा जितना थोड़ा सा है तो बड़ा सा फ्राई पैन है तो हो जाएगा। ये डोसा पैन है मेरा, उसी में मैं बना रही हूँ, और ये जो नॉनस्टिक वाले होते हैं ना उसमें तो बहुत अच्छे और बनते, बहुत ही अच्छा बनता है दूसरे तवा से। तो फ्रेंड्स इसको मैं एक एक करके सारे बड़े को इसमें लगा, पोहे के बोरा जो होता है वो सबको इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए मैं एक एक करके सबको डाल रही हूँ, आप लोग घर में इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी भी है और बहुत टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। तो कैसी लगी आप लोग को ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा फ्रेंड्स ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे मेरे घर के बगल में ही खेल रहे थे तो उनकी आवाज़ थोड़ा आ रही होगी, आई होप कि आ रही होगी, मुझे पता नहीं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ देख, थोड़ा इग्नोर करिएगा अगर आ रही होगी, मुझे तो थोड़ा थोड़ा लगा कि आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, हमारा घर सब घर से सटा हुआ है तो हमारे घर का आवाज़ उनके घर में सुनाई देता, उनका घर का आवाज़ हमारे घर में सुनाई देता, तो यहाँ का प्रॉब्लम ही यही है। और रेंटेड घर में रहो और इतना फैसिलिटी खोजो तो नहीं मिलेगा, और अगर आपको मतलब जो है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मेरा बड़ा जो है बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसे मैं एक और एक बार पलट दूंगी, पलट पलट के इसको फ्राई कर लेंगे हम लोग। तो एक बोरा मेरा नीचे गिर गया था तो उसे मैं मतलब तवा में मैं रख रही थी, इसे धीरे धीरे करके हम लोग फ्राई बन मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर में जो है ना कच्चा रह जाएगा। और याद रखें फ्रेंड्स, इसे कभी हाई फ्लेम में मत फ्राई करिएगा, इसे स्लो फ्लेम में ही फ्राई करिएगा, मतलब स्लो करके ही फ्राई करें तो जो है ना फ्राई बहुत अच्छे से पकता है, अंदर तक पक जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए बन के रेडी हो चुका है मेरा बोड़ा, तो आइए आप भी खा लीजिएगा। तो ये देखिए मशरूम आया था सुबह, तो तीन पैकेट मैंने लिए हैं लेकिन फ्रीज में और एक पैकेट बचा हुआ है, उसका मैं मशरूम पनीर चिल्ली बनाऊँगी तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मेरे पास पनीर अवेलेबल नहीं था तो इसी वजह से मैंने आप लोग से रेसिपी शेयर नहीं की, और उस दिन तो मैंने इस मशरूम की रेसिपी आप लोग शेयर की थी तो इसी वजह से मैंने शेयर नहीं किया।
तो फ्रेंड्स मेरा खाना सब बन चुका है और अभी मैं चढ़ाई हूँ दूध। रात को सब दूध पीते हैं खाना खाने के बाद, तो दूध और इधर मेरी मशरूम की सब्जी बन रही है, तो अभी बनानी है फ्रेंड्स, थोड़ा देर थोड़ा 5-10 मिनट में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मशरूम की करी बन के मेरी रेडी हो चुकी है, और आइए आप भी खाना खा लीजिएगा। दूध देखिए मैंने इधर चढ़ाया है, और आज डिनर में क्या क्या है चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई नए हैं फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिनर में मेरा ये देख सकते हो चावल है, और जो बड़े मैंने बनाए थे पत्ता गोभी के सॉरी पोई के, और बड़ी मतलब बिरी दाल बड़ी, और सजना का सब्जी है मम्मी ने दिया है, टमाटर का सूप टाइप का बनाया है, ये मशरूम आलू की सब्जी है, और दोपहर में साग का भाजी मैंने बनाया था जब हस्बैंड ड्यूटी से आए थे। तो आज का डिनर मेरा यही है, हम लोग रोटी नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आप भी खा लीजिएगा हमारे साथ रात का खाना। तो कैसे तो फिर मिलते हो आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।